साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके खुद के YouTube चैनल टीम ऋषभ मिश्रा में। एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपके बीच में उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सामने एक बड़ा सा, एक बहुत ही बेहतरीन की न्यूज। लो आपको बता दें कि TGT और PGT की नई भर्ती जो है आपके सामने आ गई है। पूरे 4 साल बाद होने जा रही है भर्ती, तो जानिए कब से होने हैं आवेदन। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। जो भी साथी नए हैं वो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, 4 साल बाद ये भर्ती शुरू होगी, TGT और PGT की भर्ती। आपको हम बता दें, सूबे में करीब 4,500 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक, यानी कि TGT और PGT की भर्ती जल्द शुरू होगी। 4 साल बाद शुरू होने जा रही है भर्ती। ऑनलाइन आवेदन के लिए सॉफ्टवेयर को बना लिया गया है, जिसकी सिक्योरिटी ऑडिट हो रहा है। इसके बाद अगस्त के अंत या सितंबर के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी होने की पूरी उम्मीद है। आयोग द्वारा अभी तक कोई ये प्रस्तावित बात नहीं आ पाई है कि कितनी सीटें पे होनी है भर्ती, लेकिन फिर भी 18,000 से 20,000 पदों पे, लगभग सूत्रों को माने तो 18,000 से 20,000 पदों पे भर्ती होने की पूरी संभावना है। पिछले साल लगभग 40,000 रिक्त पदों की सूचना मिली थी, लेकिन सत्यापन के बाद संख्या आधी रह गई। चयन बोर्ड के शिक्षकों के लगभग 22,000 खाली पदों की सूचना मिली। तो अब आप हम बता दें कि पिछली बार जो सूचना आई थी वो लगभग 40,000 पदों की आई थी, लेकिन उसमें से जब जांच हुई तो उसमें से केवल आधे निकल गए। तो ये मान के चलिए अगर 18,000-20,000 पद भी आते हैं तो ये समझ लीजिए अब तक की TGT PGT में एक बहुत बड़ी भर्ती होगी। तो आज के न्यूज़पेपर में ये पूरी तरह से है। और एक खास बात हम आपको बता दें, इस भर्ती में पहली बार 10% EWS का आरक्षण लागू होगा। ये सबसे बड़ी खबर है कि इस भर्ती में 10% EWS आरक्षण जो जनरल कैटेगरी को मिलने वाली है उसको जो है रखा गया है। तो इसलिए ये काफी कुछ बेहतर हो सकता है। और हम आपको बता दें कि इसमें फीस वगैरह क्या है, आवेदन के लिए क्या कितना फीस लगना है। TGT PGT के लिए हर वर्ग में आवेदन शुल्क की वृद्धि हुई है। सामान्य व OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 700 रुपये फीस ली जाएगी। अनुसूचित जात के लिए 400 और अनुसूचित जनजाति आवेदकों के लिए 200 फीस देनी होगी। दिव्यांग को निःशुल्क आवेदन की छूट दी गई है और WS को आवेदन शुल्क का प्रस्ताव शासन में अभी है। तो ये चीजें जान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है। तो कमर कस लीजिए, तैयार हो जाइए। जितने भी लोग इस भर्ती के इंतजार में थे वो आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि आज जो परीक्षा कराने वाली याचिकाएं थी वो पूरी तरह से खारिज हो चुकी, इसलिए परीक्षा बहुत जल्द होनी है। तो चलिए तैयारी करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी तड़कते भड़कते न्यूज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।